शक्तिनगर से 9 किलोमीटर की दूरी पर तुर्री धाम शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक रुद्राभिषेक करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन दर्शन पाने में लगी हुई है। तुर्री धाम शिव मंदिर शक्ति रियासत के राजा लीलाधर सिंह के द्वारा बताया गया है कि इस शिव मंदिर में भगवान शिव शंकर की जल हरे पत्थरों से आकृति बनी हुई है। शिवलिंग पर लगातार 3 जलधारा लगातार शिवलिंग पर गिरते रहता है। पुजारी एवं बुजुर्गों का कहना है कि शिवलिंग के ऊपर जो 3 धाराएं गिर रही हैं, ये गंगा जमुना सरस्वती गुप्त गोदावरी के नाम से माना जाता है। मंदिर निर्माण से पहले 3 धाराएं शिवलिंग के ऊपर गिरते हुए राजा के सपने में आने के बाद इस जगह पहुंचकर राजा लीलाधर सिंह के द्वारा धाराएं कहां से आ रही हैं इस संबंध में जानने के लिए उनके द्वारा मिट्टी की खुदाई की गई, परंतु कुछ दूरी के बाद जल का आना बंद हो गया। कई महीनों तक जल नहीं आने के बाद गड्ढों को बंद कर दिया गया। गड्ढे के बंद करते ही धाराएं चालू हो गई। तभी राजा के द्वारा इस भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया तथा यहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि एवं सावन के महीने में इस शिव मंदिर में पूरे भारत वर्ष से अलग अलग श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए और भगवान भोलेनाथ उनके हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना कर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। राजा सुरेंद्र बहादुर की पूर्वजों द्वारा निर्माण की गई है। उनकी पूर्वज को स्वप्न आया कि मैं यहाँ हूँ तो आके खोदे तो शिवलिंग और गंगा जल की प्रवाह हो रही है। या गंगा जल है छत्तीसगढ़ से बाहर से आदमी श्रद्धालु पहुँच अपनी मनोकामना लेके आते हैं या मनोकामना उनकी पूर्ण शिवजी करते हैं। ओम नमः शिवाय।